संस्थान के द्वारा आप लोगों को करंट अफेयर्स की व्याख्यात्मक श्रृंखला प्रदान की जाती है। प्रदेश में आगामी समय में महत्वपूर्ण और बड़ी परीक्षाओं का आयोजन होना है, जैसे यूपीपीसीएस, खंड शिक्षाधिकारी, सुपर टेट, आरओ एआरओ, यूपीएसआई और एनटीपीसी। इन सभी परीक्षाओं के लिए रटलो श्रृंखला जो है समान रूप से उपयोगी है। रटलो श्रृंखला में व्याख्यात्मक प्रश्नों की संख्या 50 है, लेकिन अगर आप पूरी व्याख्या सुनते हैं तो लगभग लगभग 100 से 150 प्रश्न आप यहाँ पे तैयार करते हैं। पुराना इतिहास रहा है कि जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं, जब से रटलो श्रृंखला का प्रारंभ संस्थान द्वारा किया गया है, लगभग लगभग सभी प्रश्न आपके रटलो श्रृंखला से आ जाते हैं, क्योंकि इनको मैं बहुत मेहनत से तैयार करता हूं और फिर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। बस मेरा आपसे एक निवेदन है, जब भी आप रटलो श्रृंखला की पढ़ाई करें तो आप क्या करें कि पेन और कॉपी लेकर बैठें, जितनी बातें मैं आपको बताऊं जो प्रश्न से अलग है उतनी बातों को आप पेन डाउन करें, एक छोटी सी आप अपनी कॉपी बना लें। करंट के लिए आपको ना तो मार्केट से कोई मैगजीन खरीदने की आवश्यकता है और ना ही आपको कोई प्रैक्टिस सेट खरीदने की आवश्यकता है। केवल आप रटलो श्रृंखला और मेरे द्वारा करंट के जो नोट्स आपको दिए जाएंगे, अगर आप उसी को अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न आपके बिल्कुल सही होंगे। आइए इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। ये श्रृंखला का पांचवा क्रम है। इससे पहले मैं रटलो के चार क्रम आप लोगों को हल करा चुका हूं। इस श्रृंखला की शुरुआत से पहले मैं संस्थान की तरफ से संचालित हो रहे बैचेज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्रदान करना चाहता हूं। संस्थान में इस समय 3 बैच जो है संचालित हो रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूं आरओ एआरओ की। परसों हम लोगों ने इस बैच को प्रारंभ किया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने हम लोगों से ये कहा कि सर 2016 की पुनर्परीक्षा हो रही है, फॉर्म नहीं आया। जिन लोगों ने 2016 में फॉर्म भरा था उनके लिए ये बैच है, लेकिन वो सभी सदस्य जो आने वाले समय में सहायक समीक्षाधिकारी और समीक्षाधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये बैच समान रूप से उपयोगी है। आप इस बैच में अपना प्रवेश सुनिश्चित करा सकते हैं और भविष्य के लिए अपनी तैयारी को सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पद समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी के आने वाले हैं। 2016 वालों को री एग्जामिनेशन का मौका मिला है। मई के प्रथम सप्ताह में परीक्षा प्रस्तावित है, उसके लिए 65 दिवसीय क्रैश कोर्स का आयोजन किया गया है। 2 दिन में बहुत सारे लोगों ने एडमिशन लिया है। आप लगातार इसी क्रम में वीडियो देख रहे हैं। चूंकि समय कम है इसलिए कक्षाओं का प्रारंभ हम लोग कल से ही करने चल रहे हैं। आप कैसे प्रवेश पा सकते हैं, या तो स्क्रॉलिंग में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर पर आप फोन करके प्रवेश पा लें, या यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप देखिए इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको इस नंबर को सेव करना है और इसके बाद एंट्री आरओ लिखकर इस नंबर पर भेज देना है। जैसे ही आप एंट्री आरओ लिखकर भेजेंगे हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। यूपीपीसीएस का एक जबरदस्त बैच हम लोगों ने प्रारंभ किया है। यूपीपीसीएस में लगातार प्रवेश प्रक्रिया जारी है। कक्षाएं हमारी शुरू हो चुकी है। प्रतिदिन 8 कक्षाएं जा रही है, 3 मेंस की और 4-5 प्री की। लगभग लगभग 8 से 9 घंटे की कक्षा हो रही है। जो सदस्य देख रहे हैं वो कमेंट कर सकते हैं। और प्रारंभिक परीक्षा की फैकल्टी बिल्कुल अलग है और मुख्य परीक्षा की फैकल्टी बिल्कुल अलग है। एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आपने अफसर बनने का सपना देखा है तो इसी वर्ष होने वाली प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करा लें। क्या तरीका है, आपको एंट्री पीसीएस लिखकर व्हाट्सएप कर देना है इस नंबर पर। सुपर टेट 3 दिन पुराना बैच हमारा हो चुका है, 3 दिन पढ़ाई हो चुकी है। खूब बड़ी संख्या में आपने सुपर टेट में एडमिशन लिया है। यहां पे भी 6-7 कक्षाएं प्रतिदिन आपकी 7 घंटे चल रही हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से इस बैच में पढ़ाई चल रही है। प्रवेश प्रक्रिया सुपर टेट बैच में भी खुली हुई है। इसमें प्रवेश लेने के लिए आप एंट्री सुपर टेट लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। मौके बार बार नहीं आते। आरओ एआरओ में आपको एक सुनहरा मौका मिला है, पीसीएस के लिए भी सुनहरा मौका है। हम लोग दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं इन परीक्षाओं के लिए। आइए, और अगर आपके मन में थोड़ी सी भी ये सपना है कि हमें बनना है तो मैं वादा करता हूं संस्थान पूरी तरह आपके साथ खड़ा है। हम लोग कोई भी कसर इन 3 बैचेज में नहीं छोड़ेंगे। आइए इस महत्वपूर्ण श्रृंखला की शुरुआत हम लोग करते हैं। रटलो 5 प्रश्न बताने का क्रम ऐसा रहेगा कि प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएगा, मैं स्क्रीन से हट जाऊंगा, आप प्रश्न को पढ़िए और उत्तर करिए और फिर मैं उसकी व्याख्या कर दूंगा। पहला प्रश्न आपके समक्ष यहां पर यह है, लिखा है
WHO द्वारा कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम दिया गया। आप सभी जानते हैं कोरोना का प्रकोप चीन में बहुत तेजी से फैला हुआ है ना। चीन के वुहान स्थान पर, प्रांत में वुहान स्थान पर यह बहुत तेजी से फैल रहा है और इसका आधिकारिक नाम जो दिया गया है वो दिया गया है COVID-19। WHO द्वारा इसका जो आधिकारिक नाम दिया गया है वो आपको क्या दिया गया है, COVID-19 इसका आधिकारिक नाम आपको दिया गया है। भारत में भी जो है केरल में इसके खतरे को देखते हुए केरल राज्य को राजकीय आपदा, केरल राज्य में इसको घोषित किया गया है। नाम इसका कहां से आया कोरोना, मैं ये भी बता देता हूं। देखिए ये जो कोरोना है आपका क्राउन से आया है कोरोना, क्योंकि इसका वायरस का जो बाहरी खोल होता है या जो बाहरी आकृति इस वायरस की होती है वो मुकुट की आकृति के समान होता है, और मुकुट को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्राउन कहते हैं, और इसी का लैटिन जो रूपांतरण है लैटिन भाषा में इसी को हम कहते हैं कोरोना, है ना। तो मुकुट शब्द से इसको जोड़ा गया है, क्राउन से इसको जोड़ा गया है, इसलिए इसका नाम क्या है बताइए, कोरोना है। और WHO ने जो इसका नाम दिया है वो क्या दिया है, COVID-19। तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा वो बताइए क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा वो बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, कोरोना मामलों की पुष्टि के बाद भारत के किस राज्य द्वारा इसे राजकीय आपदा घोषित कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए, मैंने अभी इसका उत्तर किया बताइए, केरल। चार विकल्प आपको दिए गए हैं, इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, केरल। तीन मामले आंशिक रूप से प्रकाश में आए थे तो इसको राज्य की आपदा यहां पर घोषित कर दिया गया है। तो दूसरे का जो सही ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा बताइए, डी, चौथा ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, किस राज्य द्वारा नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए जन सेवक नामक योजना आरंभ की गई। चार ऑप्शन है, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक। देखिए बहुत सारी योजना राज्य सरकारों द्वारा प्रारंभ की जाती हैं, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि जितनी योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, जितनी सेवाएं प्रारंभ की गई हैं, उनसे उस राज्य सरकार के जो है लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो लाभान्वित हो रहे हों। जागरूकता के अभाव में या बहुत सारी चीजों के अभाव में बहुत सारी सेवाएं ऐसी होती हैं जो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। कर्नाटक सरकार ने यह बीड़ा उठाया और उन्होंने कहा कि 11 विभागों से संबंधित लगभग 57 आपकी जो सरकारी सेवाएं ऐसी हैं जिनसे सीधे नागरिक वर्ग लाभान्वित होता है, अगर वो किसी कारण पर हम तक नहीं पहुंच पाते हैं तो हम डोर टू डोर तक उन तक पहुंच पाएंगे, है ना। तो सरकार का ये बहुत सराहनीय प्रयास है अपने नागरिकों के लिए। बहुत बार जागरूकता के अभाव में, बहुत बार साधन के अभाव में हम सरकारी मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाते या सरकार समाज की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाती, तो इसके लिए बहुत अच्छा प्रयास कर्नाटक सरकार द्वारा है। तो जन सेवक योजना कर्नाटक सरकार की एक ऐसी योजना है जिनमें 11 विभागों की 57 सरकारी सेवाओं को उन लोगों तक पहुंचाया जाएगा, उन नागरिकों तक पहुंचाया जाएगा जिनको वास्तव में इसकी जरूरत है। तो इसका सही ऑप्शन जो आपका होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ यहां पर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, चौथा प्रश्न है आपका, ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया। देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है। ई गवर्नेंस का अर्थ है किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना। मतलब किसी देश के नागरिकों को अगर हमें सरकारी सेवाएं प्रदान करनी है, सूचना प्रदान करनी है, तो सूचना तकनीकी के माध्यम से हम कितने जल्दी ये प्रयास कर सकते हैं या सूचना तकनीकी के माध्यम से हम समन्वित करके कितनी अच्छी, कितनी सुचारू और कितनी जल्दी वो सूचनाएं हम आपको प्रदान कर सकते हैं। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने RTI को ऑनलाइन रूप से देना शुरू कर दिया, जैसे महाराष्ट्र, और भी बहुत तरह के प्रयास इसमें यहां पर चल रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर इसका होगा आपका मुंबई।
किस शहर में आयोजित किया गया? मुंबई में इसका आयोजन किया गया। मुंबई इसका सही उत्तर होगा। और मैं आपको बता दूं, सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य विषय था। सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग को बढ़ावा देना इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था। और यहां पर इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? मुंबई होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ? ब्रैड पिट, ये जाने माने अभिनेता है, और वाकिन फिनिक्स, डोनाल्ड सिल्वेस्टर और जॉन मैकेंजी। इसका सही उत्तर होगा आपका वाकिन फिनिक्स। और वाकिन फिनिक्स को यह पुरस्कार जोकर फिल्म के लिए दिया गया है ना। यह ऑस्कर पुरस्कारों का 52वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 92 संस्करण था। अगर मैं आपसे कहूं कि यहीं पे आप यह भी स्पष्ट कर लीजिए कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया, तो दक्षिण कोरिया की फिल्म पैरासाइट को, दक्षिण कोरिया की फिल्म पैरासाइट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है ना 92 में ऑस्कर अवार्ड में। तो इसका, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? वाकिन फिनिक्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है यहां पर, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लोकमत संसदीय पुरस्कार के तहत उत्कृष्ट सांसदों को पुरस्कृत किया। पिछले वर्ष लगभग प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न आपका पूछा गया था। क्या लिखा है? हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लोकमत संसदीय पुरस्कार के तहत उत्कृष्ट सांसदों को पुरस्कृत किया। इसमें किसे राज्यसभा के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना। तो देखिए यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपका, उस प्रश्न का सही उत्तर होगा मनमोहन सिंह। लेकिन यहां पर मनमोहन सिंह अकेले नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, अब जो सपा के संरक्षक हैं, पहले सपा सुप्रीमो थे, कौन? मुलायम सिंह यादव जी को, वरिष्ठ नेता है, संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया। कुल 8 सांसदों को यहां पर पुरस्कृत किया गया। 8 सांसदों को कुल यहां पर पुरस्कृत किया गया। क्लियर है? अगर मैं आपसे यहां पे, तो ये जिस पुरस्कार की हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, ये क्या है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जो इन दोनों सांसदों को दिया गया है ना। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री है और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री है मुलायम सिंह यादव जी। तो इसका सही उत्तर होगा ए। लेकिन आप ये भी जान लें यहां पर कि राज्यसभा के जो सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार है वो तिरुचि शिवा को दिया गया है। डीएमके के नेता हैं, है ना, तिरुचि शिवा, नोट कर लीजिए तिरुचि शिवा, इनको राज्यसभा के सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया है। और लोकसभा के सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया है टीएमसी के सौगत राय को। टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के सौगत राय को, इनको लोकसभा के सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया। अब तीनों चीजें अलग है, राज्यसभा के सर्वश्रेष्ठ सांसद कौन है? तिरुचि शिवा। लोकसभा के सर्वश्रेष्ठ सांसद कौन है? सौगत राय। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? दोनों सांसदों को, डॉक्टर मनमोहन सिंह और मुलायम सिंह यादव। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? ये उत्तर इसका सही होगा। आइए सातवें प्रश्न की तरफ यहां पर बढ़ चलते हैं। हाल ही में साहित्य अकादमी ने 23 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की। किसे अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा शशि थरूर। शशि थरूर कांग्रेस के एक नेता तो हैं ही, साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा के एक उत्कृष्ट लेखक है। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ऐसी ही ब्रिटिश काल के समय की इनकी एक किताब है जो उपनिवेशिक काल के शासन के बारे में जानकारी देती है, जिसका नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस, इसी पुस्तक के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अंग्रेजी भाषा के पुस्तक का नाम क्या था? एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो इसका सही उत्तर जो क्या होगा वो सी होगा, शशि थरूर। क्लियर है? आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग यहां पर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहां पर आठवां प्रश्न, जनवरी 2020 को किसे वर्ष 2019 के 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है ना। तो देखिए 29वें सरस्वती सम्मान के लिए किसको चुना गया? वासुदेव मोही को। किसको चुना गया? वासुदेव मोही को। चार विकल्प आपको दिए गए थे, डॉक्टर के शिवा रेड्डी,
महाबलेश्वर, ममता कालिया और वासुदेव मोही। वासुदेव मोही को यह पुरस्कार इनके कहानी संग्रह चेकबुक के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया? इनके कहानी संग्रह चेकबुक के लिए दिया गया। देखिए आपको क्रम से भी याद रखना है, कौन सा क्रम पूछा गया है, 29वां। 28वां जो था वो डॉक्टर के शिवा रेड्डी को दिया गया था, है ना। 28वां पुरस्कार जो था सरस्वती सम्मान वो किसको दिया गया था, डॉक्टर के शिवा रेड्डी को। किसके लिए? हाँ, पक्की ओती गिलते। इनकी रचना का नाम क्या था? पक्की ओती गिलते, ओती गिलते, ये इनकी रचना का नाम था। लेकिन यहां पर चूंकि हमसे 29वां पूछा जा रहा है तो 29वें का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वासुदेव मोही। तो इस विकल्प का आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ यहां पे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है आपका, 20 जनवरी से 2 फरवरी 2020 के मध्य वर्ष की पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुई, इस प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? महिला एकल का खिताब अमेरिका की सोफिया केनन ने जीता। देखिए बहुत जरूरी है, याद रखिएगा इसको, मैं अभी और बता रहा हूं। पुरुष एकल का खिताब नोवान जोकोविच ऑस्ट्रिया ने जीता, ये गलत है। पुरुष एकल का खिताब नोवान जोकोविच ने तो जीता, नाम तो सही है, लेकिन ये ऑस्ट्रिया के नहीं है, ये सर्बिया के। बहुत मामूली सी गलती थी, ये ऑस्ट्रिया के नहीं है, ये सर्बिया के हैं, इसलिए दूसरा वाला क्या है, गलत। तीसरा, महिला युगल का खिताब टिमिया बोवोस हंगरी और क्रिस्टलिना ने फ्रांस की जोड़ी ने जीता, बिल्कुल सही है। और चौथा है, पुरुष युगल का खिताब राजीव राम अमेरिका और जोए सेलिसबरी ब्रिटेन की जोड़ी ने जीता, यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो क्या होगा? बी। यहां पे मैं आपको एक और चीज बता दूं, क्रम से चार ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं आपकी लगातार होती है, कई बार आपको क्रम सही करने के लिए भी दिया जाता है कि क्रम से कौन कौन सी होती है, ये वर्ष की पहली है। तो आपको एक कोड याद रखना है जिसको हम कहते हैं ऑफ व्यू, ऑफ व्यू, ऑफ व्यू से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आ से ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है ना, फिर फा से फ्रांसीसी, फिर वास वी से विलंबडन, और फिर सबसे लास्ट में नवंबर दिसंबर में यूएस ओपन आपका होता है। ये क्रम कई बार आपको लगाने के लिए पूछा जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑफ व्यू है। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी, क्योंकि नोवान जोकोविच ने तो जीता, ये बात सही है, लेकिन ये कहां के हैं? सर्बिया के हैं, और वहां पर इनके देश का नाम आपको गलत दिया गया है, ऑस्ट्रिया। क्लियर? आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है ना, मेहरसाय समिति। इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? मेहरसाय समिति का गठन किया गया है ना, ध्यान दीजिएगा। चार नाम दिए गए थे लेकिन सही उत्तर क्या है? मेहरसाय। अब इसका विषय क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है इसके विषय के बारे में जानना। घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्र में पानी की क्षमता को बढ़ाना प्रमुख विषय है। क्या? घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्र में पानी की क्षमता को बढ़ाना, पानी को प्रत्येक परिस्थिति में पेयजल युक्त बनाना, जहां पर पानी कम है वहां पर भरपूर पानी की व्यवस्था करना, नए उपाय सोचना, जल संरक्षण के लिए उपाय करना, जीवन जीने की अनिवार्य शर्त है पानी, है ना। उस पानी को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को कोई नुकसान ना हो, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मेहरसाय समिति। और यह 10 सदस्यीय समिति है, ये 10 सदस्यीय समिति है, सदस्य इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। तो इसका सही उत्तर जो आपका होगा वो बी उत्तर इसका सही होगा। अच्छे से पढ़ते चलिए, मजा आ रहा है। बताइए, खेलो इंडिया गेम्स के तीसरे संस्करण में किन दो खेलों को शामिल किया गया है ना। देखिए, खेलो इंडिया का दूसरा संस्करण मैंने आपको बताया था, अब तीसरे संस्करण इस बार एकदम नई बात है। तो तीसरे संस्करण में किसको यहां पर वो जो है, कौन कौन से नए खेलों को यहां पर वो किया गया? साइकिलिंग और लॉन बाउल्स, साइकिलिंग और लॉन बाउल्स को यहां पे क्या किया गया? शामिल किया गया। और कहां पर आयोजित है? गुवाहाटी असम में, गुवाहाटी असम में आयोजन है। इससे संबंधित एक और प्रश्न इससे लिया गया है, जहां पर मैं इसकी पूरी व्याख्या आपको अभी करूंगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सी होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, 16 फरवरी 2020 को आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली,
इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 11 फरवरी 2020 को घोषित दिल्ली की विधानसभा चुनाव परिणाम में आम आदमी पार्टी को सर्वाधिक 65 सीटें प्राप्त हुई। गलत, ये सीटें 65 नहीं थी, बल्कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीटों की संख्या कितनी थी, 62 थी। तो ये गलत है आपका, यहां पर 62 सीटें प्राप्त हुई हैं। तो पहला ही गलत है ना। और इनका मत प्रतिशत जो है वो है 53.57%, ये इनका मत प्रतिशत है। 8 सीटें बीजेपी को मिली है, भारतीय जनता पार्टी को 62 सीटें इनको मिली है, और कांग्रेस को कोई भी सीट यहां पर नहीं मिली है। दूसरा, चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें प्राप्त हुई है, सही है। तीसरा, अरविंद केजरीवाल ने लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री दल की शपथ ली, बिल्कुल सही है। तो अगर हम देखें तो पहला गलत है, तो सही कौन सा है, दूसरा एवं तीसरा। तो ए ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा, दूसरा एवं तीसरा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न यहां पर है, जम्मू कश्मीर में उज बहुद्देशीय परियोजना, राष्ट्रीय परियोजना किस नदी पर निर्मित की जाएगी। देखिए, उज जो है स्वयं एक छोटी सी नदी है, उज, क्लियर, और ये रावी की सहायक नदी है, रावी की सहायक नदी है ना। तो आपसे इसमें पूछा गया है कि किस नदी पर ये जो है निर्मित की जाएगी, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, उज होगा, उज होगा डी। और ये जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में है। कहां पे है अगर आपसे पूछा जाए, तो जम्मू कश्मीर के किस जिले में है, कठुआ जिले में ये परियोजना है, राष्ट्रीय परियोजना है ना। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए, डी उज, क्योंकि उज स्वयं एक छोटी सी नदी है जो किसकी सहायक नदी है, रावी की। आइए अगले प्रश्न की तरफ यहां पे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न, फरवरी 2020 को मालदीव पुनः राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बना। तो सबसे पहले क्रम याद रखिएगा, इन्होंने इससे पहले 2016 में सदस्यता छोड़ दी थी, अब मालदीव का 54 और राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य समय कौन बना, मालदीव। तो प्रश्न में भी एक प्रश्न छिपा हुआ है, उत्तर छिपा हुआ है कि हाल ही में 54वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ राष्ट्रमंडल में, कौन सा बताओ, मालदीव हुआ। मालदीव ने किस वर्ष इस संगठन से अपनी सदस्यता छोड़ी थी, वर्ष 2016 में मालदीव ने इस संगठन से अपनी सदस्यता को क्या किया था, छोड़ दिया था। ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय लंदन में है और लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार और विश्व शांति के लिए कार्य करता है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार और विश्व शांति के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय कहां पे है बताइए, लंदन में है। आइए अगला प्रश्न है आपका 15वां, 5 फरवरी 2020 को यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर द्वारा जारी 8वें अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, जिसको हम आईपीआर इंडेक्स भी कहते हैं, भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। भारत का जो स्थान है 40वां, 36वां, 35वां, 20वां, वो स्थान है 40वां। इससे पहले वाली रिपोर्ट में हम 36वें स्थान पर थे, इस बार हमें 4 स्थान का नुकसान हुआ और हम 40वें स्थान पर आ गए हैं। सबसे ऊपर यूएस है, अमेरिका का स्थान यहां पर क्या है, पहला है, है ना, यूएस यहां पर पहले स्थान पर बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर जो होगा बताइए वो क्या होगा बताइए, ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16वां, 2 से 4 अप्रैल 2020 के मध्य सागरमाथा संवाद कहां आयोजित किया जाएगा। आप देखिए, सागरमाथा हम जानते हैं, एवरेस्ट, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा पर्वत सागरमाथा है ना। तो सागरमाथा संवाद अब हम उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको जो है मालूम है कि कहां है, तो देखिए काठमांडू, हम सभी लोग जानते हैं कि नेपाल में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये डायलॉग कहां पे आयोजित किया जाता है, नेपाल। अब इसके विषय क्या क्या है पहले वो समझ लीजिए, जलवायु परिवर्तन, पर्वत एवं मानवता का भविष्य, मतलब बदलते हुए जलवायु परिवर्तन के दौर में पर्वत एवं मानवता के क्या भविष्य है, कैसे हम इसको संरक्षित कर सकते हैं, कैसे हम इसको बचा सकते हैं, इसी के नाम पर, इसी विषय के साथ ये संवाद तय है। कहां पे तय है, काठमांडू में तय है। और सागरमाथा आप जानते हैं, एवरेस्ट, सबसे ऊंची चोटी, यह और जो है सबसे ऊंचा पर्वत सागरमाथा, उसी के नाम पर इसको नाम दिया गया है, सागरमाथा संवाद, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए, ए हो जाएगा। 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ लीजिए, 10 से 22 जनवरी 2020 के मध्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स का
तीसरा संस्करण संपन्न हुआ। इस संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया, मैंने अभी हाल आपको बताया था, यह जानकारी बिल्कुल सही है। दूसरा, इसमें पहली बार लॉन बॉल और साइकिलिंग की स्पर्धाएं शामिल की गई, अभी मैंने आपको ये प्रश्न हल कराया है। दूसरा, तीसरा, पदक तालिका में महाराष्ट्र 256 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा, यह भी सही है। पदक तालिका में उत्तर प्रदेश 87 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा, यह गलत है। उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा नहीं था, यह स्थान पांचवां था, है ना। 87 पदकों के साथ उत्तर प्रदेश बिल्कुल भी चौथे स्थान पर नहीं है, बल्कि ये पांचवें स्थान पर है। तो कौन सी इंफॉर्मेशन आपकी गलत है? डी, आपको यही बताना था कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो बताओ कौन सा तथ्य सही नहीं है? डी सही नहीं है। तो आपका इसका उत्तर क्या होगा? डी होगा। क्लियर हुई बात? चलिए, देखते देखते आप लोग लाइक भी इसको किया करिए सभी लोग, है ना। चलिए, युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका 2020 के दूसरे चरण के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए, युविका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उन लोगों के लिए जो कक्षा 8 पास करके 9वीं में आए हैं। प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक बोर्ड से, प्रत्येक राज्य से 3 सदस्यों का चुनाव इसमें होता है। इसरो द्वारा यह कार्यक्रम संचालित होता है। इसका शॉर्ट नाम है युविका और इसको हम कहते हैं युवा विज्ञानी कार्यक्रम। प्रत्येक बोर्ड से कक्षा 8वीं आपकी योग्यता है, जैसे आप कक्षा 8 पास करके 9वीं में आते हैं, तो यह कार्यक्रम आपके लिए खुला है, है ना। फिर क्या लिखा है? युविका स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, गलत। इसरो इसको संचालन करता है, पहला ही गलत है, बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम है और अंतरिक्ष में आपकी रुचि बढ़ाने के लिए या भविष्य के वैज्ञानिकों को खोजने के लिए, भविष्य के अंतरिक्ष से संबंधित जो महान वैज्ञानिक होने वाले हैं उनकी रुचि के हिसाब से अभी से उनको शिक्षित करने के लिए, उनमें और रुचि जगाने के लिए और उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ये सरकार का कार्यक्रम है जो इसरो द्वारा संचालित है। तो ये स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम 11 से 22 मई 2020 तक संचालित है, सही है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को अंतरिक्ष तकनीकी, अंतरिक्ष विज्ञान आदि के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। इस कार्यक्रम हेतु उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन पंजीकरण के आधार पर किया जाता है, सब सही है। कक्षा 8वीं पास अगर आपके बच्चे हैं, भतीजे हैं, भतीजी हैं और आपके आसपास समाज में बच्चे हैं जो कक्षा 8वीं पास है, उनकी अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि है, तो प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश से 3 सदस्यों का चुनाव इसमें किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 19वां। 18 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2020-24 के लिए बजट विधानसभा में पेश किया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तुत बजट का आकार 512860.72 करोड़ रुपए है, बिल्कुल सही है, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। यहां पे पहले 21 करिए, मैं इसी से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूं कि 24 कैसे लिखा, क्लियर। यहां का जो आकार, हां, जो इसका आकार है वो अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। और मैं आपको बता दूं कि पिछली बार से ये जो बजट है 33,159 करोड़ रुपए ज्यादा है। अगर पिछले बजट से हम करें तो 33,159 करोड़ रुपए पिछली बार से ये बजट क्या है बताइए, ज्यादा है, ध्यान रखिए, क्लियर। अभी तक का सबसे बड़ा बजट है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। बजट में शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षिता अप्रेंटिस योजना प्रस्तावित है, बिल्कुल सही है, जिसके तहत 2500 रुपए प्रति माह का जो है मानदेय है आपको। और चौथा है आपका, बजट में 12 विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव है, गलत है। इस बजट में केवल 7 विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव है। तो चौथा वाला आपका गलत है, क्योंकि कितने विश्वविद्यालय होने चाहिए? 4 होने चाहिए। तो कौन कौन सा सही है? 1, 2 एवं 3। तो आपका जो विकल्प होगा वो ए सही हो जाएगा, 1, 2 एवं 3, है ना। तो 19वें का जो विकल्प है आपका वो क्या है बताइए? चौथा है, है ना, पहला है, सॉरी, ए विकल्प आपका सही है, और गलत कौन सा है? चौथा गलत है। 20वां प्रश्न, कावेरी डेल्टा क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? देखिए, कावेरी डेल्टा क्षेत्र तमिलनाडु में अवस्थित है, पहली बात। अब यह चर्चा में रहा क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पालनीस्वामी ने इसको संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। कैसा क्षेत्र? संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। यह कावेरी डेल्टा जो क्षेत्र है यह बेहद उपजाऊ क्षेत्र है और तमिलनाडु की खाद्य श्रृंखला पूरी तरह इसी क्षेत्र पर आधारित है।
तमिलनाडु की जो खाद्य श्रृंखला की जिम्मेदारी है उसको वहन करने का जो दबाव है वो इसी क्षेत्र पर है, और ये हाईली फर्टाइज है और पूरी तरह से उनकी खाद्य श्रृंखला इसी पर आधारित है। इसको नुकसान ना पहुंचाए इसीलिए इसको संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, और अभी हाल ही में एक काफी दिनों से चर्चा में आपका रहा है, न्यूज पेपर में भी आप लगातार इसको देख रहे हैं। आइए 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है आपका यहां पर, देखिए ये मेरी किताब है रीजनिंग की, आप में से बहुत सारे लोगों ने किताब ली है, और रीजनिंग की एकमात्र पुस्तक सभी परीक्षाओं के लिए। आप इस नंबर से जो है इस किताब को खरीद सकते हैं, या तो इस नंबर से आप कॉल कर लें या इस नंबर के व्हाट्सएप पे आप बुक लिख के रखते हैं, है ना। रीजनिंग की एक प्रमाणिक किताब, पिछले वर्ष बेस्ट सेलिंग बुक रही है। ये नंबर है 9452275777, इस नंबर पर कॉल कर लिया तो बुक लिख के भेज दीजिए। बहुत सारे लोगों ने किताब ली है, वो उसका फीडबैक दे सकते हैं। आप एसएससी, बैंक, रेलवे और आईएसपीसीएस, सीसेट, किसी भी एग्जाम की तैयारी आपको अगर रीजनिंग में करनी हो तो ये मेरे द्वारा लिखित किताब है। आप यहां पे भारत के किसी भी कोने में रहते हो, हम 8 दिन में किताब आपके घर भेज देंगे। इस नंबर पर बस आपको कॉल करना है या व्हाट्सएप पर बुक लिखकर आपको भेज देना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर 21वां प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य द्वारा छात्रों में पढ़ने की आदत को विकसित करने हेतु पठन मिशन की शुरुआत की गई है। 4 विकल्प है, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए? इसका सही उत्तर होगा हरियाणा। क्यों? पुस्तकों के महत्व, इसका विषय क्या था? पुस्तकों के महत्व को बढ़ाने के लिए, पुस्तकों के महत्व को बढ़ाने के लिए, उनका खोया हुआ गौरव वापस करने के लिए, वापस लाने के लिए, पुस्तकों से लोगों को, ज्यादा से ज्यादा पुस्तकों के पास लोगों को ले जाने के लिए, अच्छी पुस्तकों के बारे में लोगों को बताने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है, पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए पठन मिशन। तो पठन मिशन हरियाणा सरकार का मिशन है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या बताइए? दी। आइए 22वां प्रश्न है यहां पर आपका, 22वां प्रश्न, देश भर में राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह मनाया जाता है। देखिए आपसे पखवाड़ा, दिवस और सप्ताह लगातार पूछे जाते रहे हैं, है ना। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह कब मनाया जाता है, आप लोग उत्तर करिए। इसका सही उत्तर है 12 से 18 फरवरी 2020, है ना। इस वर्ष का कब मनाया गया? 12 से 18 फरवरी। और अगर आपसे पूछा जाए कि कब मनाया जाता है तो 12 से 18 फरवरी को ये मनाया जाता है। आइए 23वां प्रश्न, सांस एक अभियान है, है ना, ध्यान से सुनिएगा। सांस एक अभियान है जिसके बारे में लिखा गया है। सांस अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सांस किससे जुड़ा हुआ अभियान है तो हेल्थ से जुड़ा हुआ अभियान है। कौन से मंत्रालय द्वारा संचालित है तो आप कहेंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित है। इस अभियान का उद्देश्य नवजात शिशुओं में निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करना। अब इस अभियान का देखिए विषय भी यहां पर दिया गया है। इस अभियान, सांस अभियान किससे संबंधित है? स्वास्थ्य में शिशु से संबंधित है, और शिशुओं में निमोनिया से होने वाली मौतों से कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अभियान के तहत बच्चों में होने वाले निमोनिया पर नियंत्रण हेतु वर्ष 2025 तक प्रति 1000 जीवित बच्चों पर होने वाली मौतों को 3 से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। चौथा, इसके अलावा इसमें निमोनिया से ग्रसित बच्चों को आशा कार्यकर्ता द्वारा ओमेक्सिसिलिन नामक एंटीबायोटिक खुराक भी दी जाएगी। उपयुक्त चारों ही बिल्कुल सही हैं, तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा। आइए 24वां प्रश्न है, देश के समुद्र तटों को स्वच्छ बनाने और जनता में तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ निर्मल तट अभियान प्रारंभ किया गया? ये देखिए 50 प्रारंभिक चरण में 50 जो है आपके तटों को इसमें शामिल किया गया है, 50 समुद्र तट शामिल है, और पर्यावरण, वन, जल वायु परिवर्तन मंत्रालय जो है आपका, इसका सही उत्तर है यह इस कार्यक्रम को संचालित कर रहा है, या इस मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम आपका संचालित है। आइए 25वां प्रश्न है आपका, 29 जनवरी 2020 को भारतीय नौसेना ने किस देश में मानवीय सहायता और आपदा राहत उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन बनीला शुरू किया? देखिए 4 विकल्प हैं, फिलीपींस, मेडागास्कर, म्यांमार और जो है क्या है, लाओस है। आप हम सभी लोग जानते हैं कि डायने चक्रवात एक आया था, है ना, डायने चक्रवात।
डायने चक्रवात से नुकसान ये कहां आया था? मेडागास्कर में। मेडागास्कर डायने चक्रवात से काफी नुकसान हुआ था। इस नुकसान को पूरा करने के लिए आपदा प्रबंधन और सहायता, आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता इसका प्रमुख उद्देश्य था। आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता इसका प्रमुख उद्देश्य था, है ना। तो ऑपरेशन बनीला किसके लिए था? डायने चक्रवात के लिए था, है ना, मेडागास्कर के लिए था। और किसके द्वारा किया गया था? भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया था, भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? बी, मेडागास्कर। 26वां प्रश्न, हाल ही में किन खिलाड़ियों को बस 2019 के लिए प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो देश का सर्वश्रेष्ठ खेल रत्न पुरस्कार है? तो आपके चार ऑप्शन दिए गए, हिमा दास एवं बबीता फोगाट, बजरंग पुनिया एवं दीपा मलिक, एस मीराबाई चानू एवं विराट कोहली, सौरभ चौधरी एवं नीरज चोपड़ा। इससे पहले यह पुरस्कार मिला था मीराबाई चानू एवं विराट कोहली को, इस वर्ष इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताइए किसको? बजरंग पुनिया एवं दीपा मलिक को। 2019 के पुरस्कारों की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहां पे बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा। 27वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत की पहली बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन 19 से 26 अक्टूबर 2019 के मध्य भारत और किस देश के मध्य चलाई गई? देखिए, सबसे पहले तो चार देश हैं, नेपाल, भूटान, म्यांमार और पाकिस्तान। इसका उद्देश्य था बुद्ध सर्किट में भारत के प्रमुख स्थानों को जोड़ना। तो इसका उत्तर क्या होगा? नेपाल। पहली बात, यह दिल्ली से चलाई गई। अगर आपसे पूछा जाए कहां से चलाई गई, तो यह दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से चलाई गई। कहां तक चलाई गई? नेपाल। चार भारत में प्रमुख स्थान इससे कवर किए गए जो गौतम बुद्ध से संबंधित थे। सबसे पहला स्थान जो यहां पे था वो आपका कौन सा था? लुम्बिनी, जहां पर उनका जन्म हुआ था। नोट कर लीजिए, पहला स्थान कौन सा था? लुम्बिनी, जहां पर उनका जन्म हुआ था। इसके बाद जो दूसरा स्थान था वो था बोधगया, वो था बोधगया जहां पर उनको प्राप्ति हुई थी ज्ञान की। तीसरा स्थान था सारनाथ, जहां पर उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और चौथा स्थान आपका कौन सा था बताइए, जहां पर उनको निर्माण प्राप्त हुआ था? कुशीनगर। इन चारों स्थानों को इस ट्रेन के सर्किट के द्वारा जोड़ा गया है। और ये दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से कहां तक थी बताइए? नेपाल तक थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नेपाल होगा। आइए, वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाया जाता है? पहले तो यह समझ लीजिए कि किससे संबंधित है, हमें यह भी आना चाहिए और फिर इसकी डेट भी आनी चाहिए, है ना। देखिए, वर्ल्ड सिटी, देखिए दो जिन भी दिवसों को संयुक्त राष्ट्र घोषित करता है वो आपके लिए अत्यंत महत्व के होते हैं, पहले तो ये जान लीजिए। वर्ल्ड सिटी डे एक ऐसा ही दिवस है जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया है, आप विकल्पों को देख लें, है ना। 2013 से इसको घोषित किया गया था। और ये कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, हाँ। और इसका जो है विषय क्या है? भविष्य की पीढ़ियों के लिए नवाचार, भविष्य की पीढ़ियों के लिए नवाचार। ये नवाचार एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तो इसका विषय जो है वो क्या है? भविष्य की पीढ़ियों के लिए नवाचार एवं जीवन। क्लियर, सही उत्तर क्या होगा? सी हो जाएगा। 2012-13 से हम लोग इसको मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किसे FIH प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? अमित रोहित दास, मनप्रीत सिंह, सुरेंद्र कुमार और ललित उपाध्याय। तो देखिए, मनप्रीत सिंह को किया गया, यह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान भी है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान भी है और एक अच्छे मिडफील्डर है, एक अच्छे मिडफील्डर है ना। तो सही उत्तर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा FIH ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया मनप्रीत सिंह को। आइए, 30वां प्रश्न, किस राज्य में सेलम क्रिकेट फाउंडेशन क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? क्रिकेट स्टेडियम आपसे हमेशा पूछा जाता है, जैसे लखनऊ में पिछले वर्ष इकाना बना था, इकाना में मैच भी हुआ था। इसी प्रकार इस नाम को याद रखिए, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए ग्रीन पार्क तो आप कहते हैं कानपुर, आपसे पूछा जाए ईडन गार्डन तो आप कहते हैं कोलकाता, आपसे पूछा जाए वानखेड़े तो आप कहते हैं मुंबई, आपसे पूछा जाए फिरोजशाह कोटला तो आप कहते हैं दिल्ली। इसी प्रकार आपको एक और स्टेडियम अपनी लिस्ट में शामिल करना है, क्या बताइए? सेलम, है ना। कौन सा है? सेलम। और सेलम जो है तमिलनाडु में बनाया गया, बहुत बेहतरीन स्टेडियम है। तो तमिलनाडु इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा डी, तमिलनाडु। आइए, क्रिकेट भारत में एक लोकप्रिय खेल है, आप जानते हैं, और लगातार स्टेडियम यहां पे बनते रहते हैं। आइए, अगला प्रश्न है आपका यहां पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक सौरयुक्त शहर है, है ना।
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर। तो देखिए सर्वाधिक पहले तो देखिए शोर को मापने की इकाई का क्या होती है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है ना। तो इसको हम कहते हैं डेसीबल, डेसीबल, डेसीबल शोर को नापने की इकाई है। कितना डेसीबल है? 67.8 डेसीबल है ना, इतने डेसीबल शोर है चेन्नई में। इसका सही उत्तर क्या है? चेन्नई। कौन मापता है या जो है ये कौन आपको ये आंकड़े देता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आपको ये आंकड़े प्रदान करता है। अगर हम दिल्ली से तुलना करें चेन्नई की, तो दिल्ली लगभग लगभग 61 डेसीबल के आसपास है, तो चेन्नई इससे बहुत ज्यादा शोरयुक्त शहर है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए? चेन्नई इसका उत्तर सही होगा। आइए अगला प्रश्न है आपका यहां पर 32वां प्रश्न। कौन सा शहर सिंधु महोत्सव के छठे संस्करण की मेजबानी करेगा? तो नोएडा, श्रीनगर, पुणे, मुंबई। सही उत्तर होगा पुणे। अब आपको यह देखना है सिंधु महोत्सव के छठे संस्करण की मेजबानी, तो सिंधु महोत्सव किससे संबंधित है? तो नृत्य के शास्त्रीय स्वरूपों को यहां पे प्रदर्शित किया जाता है। क्या? नृत्य के जितने भी सांस्कृतिक और शास्त्रीय स्वरूप हैं, आपसे यह पूछा जाता है कि सिंधु महोत्सव का विषय क्या है। तो नृत्य के जितने भी शास्त्रीय स्वरूप हैं, सांस्कृतिक स्वरूप हैं, उनको यहां पर एक साथ प्रदर्शित किया जाता है। और इसकी मेजबानी कहां पे है? पुणे में है। आइए अगला प्रश्न है आपका यहां पर 33वां प्रश्न। अभियान पहले सेफ्टी किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और गूगल इंडिया। इसका सही उत्तर है आपका गूगल इंडिया। पहले सेफ्टी किससे संबंधित है? जैसे ये डिजिटल सिक्योरिटी से संबंधित अभियान है। किससे संबंधित है? डिजिटल सुरक्षा और सिक्योरिटी से संबंधित अभियान है। आपके पासवर्ड के विषय में आपको जानकारी देना, आपके अकाउंट की सिक्योरिटी के विषय में जानकारी देना, इसके लिए गूगल इंडिया द्वारा जो अभियान शुरू किया गया है उसको हमने क्या कहा? हैस पहले सेफ्टी। तो आप याद रखिएगा डिजिटल सिक्योरिटी इसका विषय है। 34वां प्रश्न। सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? कंफ्यूज मत हुआ करिए। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और एक होता है राष्ट्रीय महिला दिवस। यह प्रश्न आपका गलत होता है। सभी लोग कमेंट करिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करिए सब लोग। राष्ट्रीय महिला दिवस की मैं बात कर रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट करें। लिखा है सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, या अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्मदिन के दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है, तो पहले तो आपका उत्तर क्या होगा? सरोजिनी नायडू। इनसे जुड़ी बहुत सारी जानकारी है। इस बार यदि हम लोग देखें यहां पर, तो देखिए सरोजिनी नायडू भारत की ऐसी प्रथम महिला थी जिन्होंने 1925 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह प्रश्न आपसे इतिहास में पूछा जाता है। इनको भारत कोकला और नाइट एंगल दोनों की उपाधि मिली हुई थी। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। इनका जन्म कब हुआ? अब आप उत्तर दीजिए हमको इस डेट को देख के। तो इनका जो जन्म था उस जन्म को कहते हैं 13 फरवरी, और 13 फरवरी को इनके जन्म के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं बताइए? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? आपके कमेंट्स वहां पर आ रहे हैं। आइए 35वां प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय जैविक खाद महोत्सव की मेजबानी करेगा? राष्ट्रीय जैविक खाद महोत्सव है ना, खाद प्रसंस्करण पर बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। नई दिल्ली इसका सही उत्तर होगा। और इसका विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। नई दिल्ली इसका उत्तर है। क्या है? जैविक उत्पादों में, जैविक उत्पादों में महिला उद्यमिता को बढ़ाना। क्या बढ़ाना? महिला उद्यमिता को बढ़ाना। तो कहीं ना कहीं ये जो है महिला सशक्तिकरण से भी जोड़ के इसको हम लोग देख सकते हैं। क्लियर? आइए अगला प्रश्न है आपका यहां पे 36वां प्रश्न। वन धन योजना किसकी पहल है? देखिए वन धन योजना स्वयं सहायता समूहों को इकट्ठा करने के माध्यम से 3000 केंद्र जिससे सहायता की जा सके सबको। तो स्वयं सहायता समूहों को इकट्ठा करना और लगभग 10,000 स्वयं सहायता समूहों को इकट्ठा करके 3000 केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया गया है। और इसी कार्यक्रम को हमने क्या कहा? वनधन योजना। गलत मत करिएगा, ये जनधन योजना नहीं है, नहीं तो आप गलत करने के जाए। वनधन योजना है। और किसकी योजना है अगर मैं आपसे पूछूं तो जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय की योजना है। क्लियर है? आइए
जनजातीय लोगों को सुविधाएं देना, उनको फायदा पहुंचाना, उन्हें समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए जो भी प्रयास करने हो वो सभी प्रयास करना, ये उनकी योजना है। आइए अगला प्रश्न है 37वां। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए 5 दिन का काम करने का घोषणा की है, वीकली 5 डे वर्किंग। सबसे पहले घोषणा की है महाराष्ट्र ने, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। अभी 10-12 दिन पहले, 5-7-10 दिन पहले, और नए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी द्वारा यह निर्णय लिया गया मंत्रिमंडल की बैठक में कि महाराष्ट्र सरकार लोगों की क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए 5 डे वर्किंग अलाउ कर रही है, वहां पर सैटरडे संडे को कोई भी काम नहीं होगा। आइए 37वां। अगर आने वाले समय में ये चीजें आप सब जगह देखें तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में भारत को विकासशील देशों की सूची से हटा दिया। देखिए ये सब काम जर्मनी, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। देखिए अमेरिका का ये काम है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत को विकासशील देशों की सूची से हटा दिया है इन्होंने। केवल भारत को ही नहीं हटाया, ब्राजील, इंडोनेशिया, हांगकांग, साउथ अफ्रीका और अर्जेंटीना, अगर हम टोटल देखें तो 6 देशों को उन्होंने एक साथ हटाया है। नाम आप नोट कर लीजिए, 6 देशों को हटाया है, जिसमें से एक देश तो भारत है। इसके अलावा कौन कौन से देश है? दूसरा देश है आपका ब्राजील, तीसरा देश है आप लोगों का इंडोनेशिया, चौथा देश है हांगकांग, पांचवा है साउथ अफ्रीका और छठवां है अर्जेंटीना। इन सबको विकासशील देशों की सूची से हटा दिया गया है। आइए अगला प्रश्न है आपका 39वां। तीसरा कारपोरेट यात्री ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलेगी, है ना। तीसरी कारपोरेट ट्रेन तो ये वाराणसी से इंदौर मार्ग पर चलेगी और ये 3 प्रमुख स्थान जो किससे संबंधित है, अब नाम आप समझ ही रहे हैं, शिवजी से संबंधित, शंकर जी से संबंधित है। कौन कौन से? एक तो वाराणसी, बाबा विश्वनाथ का वाराणसी आपका, दूसरा इसके बाद अब आगे चलेंगे तो ओमकारेश्वर और तीसरा महाकालेश्वर। ये 3 स्थानों को जो है कवर करेगी, रात्रि में इसका परिचालन किया जाएगा। तो इसका नाम क्या है? महाकाल एक्सप्रेस। आइए 40वां प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के कौन से विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी, आप देखिए, और इसकी कितनी अवधि होगी और इसके अध्यक्ष कौन है, ये सब आपको क्लियर करना है। तो 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है, 3 वर्ष की इसकी अवधि है और अध्यक्ष है न्यायमूर्ति बी एस चौहान। 22वां, 3 वर्ष की अवधि है और अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति वी एस चौहान। बी एस चौहान इसके क्या है बताओ? अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? बी होगा। आप लोग भी आंसर तेजी से करते चले। 41वां प्रश्न, फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2020 कितने शहरों में आयोजित होगा? 5 शहरों में आयोजित होगा। शहरों के नाम भी मैं आपको यहां पर तेजी से बता देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लें। अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और नवी मुंबई। अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और नवी मुंबई, इन 5 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा, भारत में आयोजित किया जाना है। आइए अगला प्रश्न है 42वां, संरक्षण योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई, किससे संबंधित है संरक्षण योजना। तो जो 42वां प्रश्न है उसका सही उत्तर है आपका कर्नाटक, है ना। प्राचीन कई ऐसी धरोहर हैं जो ऐतिहासिक महत्व की है, उन धरोहरों के बारे में लोगों को जागरूक करना और उनको संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से अलग स्वयं बीड़ा उठाया है और स्वयं उन्होंने इस योजना को शुरू किया है, संरक्षण योजना को, ताकि जो सांस्कृतिक धरोहर उनके पास है उसके विषय में ना केवल लोगों को जागरूक कर सके बल्कि उन्हें सुरक्षित भी रख सके। आइए अगला प्रश्न है आपका यहां पर 43वां प्रश्न, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जिस प्रकार व्यक्ति का स्वस्थ होता है उस प्रकार मिट्टी को भी स्वस्थ और पोषण युक्त होना चाहिए। प्रत्येक 2 वर्ष पर मिट्टी का, सॉयल का मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाता है। आपसे पूछा क्या गया है कब मनाया जाता है, ये दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? 19 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है, मतलब आपसे कुछ दिन पहले ये दिवस यहां पे मनाया गया है। आइए अगला प्रश्न है आपका 44वां, भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया। फिर से पढ़िए, भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री, प्लास्टिक रहित हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया। तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा वो सही उत्तर होगा चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ। बी ऑप्शन आपका सही होगा, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ। क्लियर है? आइए, फैक्चुअल था, ज्यादा बताने के लिए नहीं था। हाल ही में भारत
2020 और इंडिया 2020 पुस्तकों का विमोचन किसने किया? प्रकाश जावड़ेकर के जी ने किया, जिसमें सरकार के कार्यों का वर्णन है। इंडिया 2020 भारत 2020 है ना, पुस्तक का विमोचन किसने किया? प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया। किससे संबंधित है? सरकार के सभी कार्यों का इसमें वर्णन है। 46वां प्रश्न है, ब्लू ओरिजिन प्रोग्राम निम्न में से किससे संबंधित है? यह एक प्राइवेट निजी अंतरिक्ष यान है और अंतरिक्ष यान से प्रोग्राम संबंधित है, अंतरिक्ष से संबंधित ही प्रोग्राम है। क्लियर है? आइए, केवड़िया सफारी पार्क, सभी लोग जानते हैं केवड़िया कहां पर है? गुजरात में है ना। केवड़िया के आसपास सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का भी निर्माण किया गया है, जो सबसे लंबी मूर्ति है। मैं इन प्रश्नों को कई बार आपको हल करा चुका हूं, यहां पर इनकी अलग से व्याख्या करना जरूरी नहीं है। आइए 48वें प्रश्न की तरफ यहां पर बढ़ते हैं। लिखा है, बीसीसीआई ने साल 2020 में होने वाले आईपीएल के कौन से संस्करण की घोषणा की? बताइए, ये तो आप लोग बता सकते हैं कि आईपीएल का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाना है, 13वां संस्करण का आयोजन किया जाना है, कुछ दिन बाद ही शुरू होने वाला है। आइए 49वां प्रश्न, निम्न में से प्रधानमंत्री, किस प्रधानमंत्री को सियोल शांति पुरस्कार दिया गया? चार प्रधानमंत्रियों के नाम दिए गए हैं, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी। तो सही उत्तर है आपका नरेंद्र मोदी। 2018 में इनको सियोल शांति पुरस्कार दिया गया था और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इनको एक और पुरस्कार दिया गया है, जिसको भी आप रखिएगा, चैंपियन ऑफ द अर्थ, चैंपियन ऑफ द अर्थ, ये पुरस्कार भी इनको मिला है, चैंपियन ऑफ अर्थ, संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा यह पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? डी। और अंतिम प्रश्न है आपका बेटा, महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 में स्वर्ण पदक विजेता महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये राखी हल्दर है, जो पश्चिम बंगाल रेलवे से संबंधित है, पश्चिम बंगाल रेलवे से संबंधित है। ये श्रृंखला आपको कैसी लगी जरूर बताइए, है ना। मैं लगातार आपके लिए प्रयास करता हूं, ये तीनों बैच में फिर बता दूं लगातार संचालित हो रहे हैं, आरओ एआरओ 2016। भविष्य में भी जो लोग आरओ एआरओ देना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। यूपी पीसीएस जबरदस्त तरीके से चल रहा है और सुपर टेट में 3 दिन हुए हैं पढ़ाई शुरू करके। आपको जिस भी बैच में एडमिशन लेना हो, व्हाट्सएप पर आप बस एंट्री लिख के उस कोर्स का नाम लिख दीजिए, तीनों नंबर दिए गए हैं, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। हम प्रतिबद्ध है आपको बहुत शानदार और गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए। मैं लगातार आपके समक्ष प्रयास करता हूं, करता रहूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट जरूर प्रेषित करें, संस्थान के लिए आपके सुझाव हैं वो भी प्रेषित करें। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट प्रतिबद्ध है आपको बहुत अच्छे से सर्व करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आज के लिए इतना ही, जल्द ही फिर मुलाकात होगी।